अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैंने इतना जो है सेटअप बनाया है आपके लिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज एरेज, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज। एरेज किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, लैंग्वेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आई विल जस्ट शो यू वन बाई वन, आप इसमें ये देख लें कि क्या चीज़ें कहाँ पे किस तरीके से लगी हुई हैं और क्या इनका कॉन्सेप्ट है। मैं आपको थोड़ा सा स्लो करेंगे तो फिर मुझे सारा दोबारा से करना पड़ेगा, अगर मैं आपको तेज़ करूँ तो फिर ये बना बनाया मैं एक्सप्लेन करूँगा लेकिन फिर आप कर नहीं सकेंगे। ओके, सो आई जस्ट डिलीट देम ऑल। अब मैं ये सारा का सारा डिलीट कर देता हूँ और अब ये जो एक्सप्लेनेशन होगी ना वो आपको थोड़ी सी स्लो होगी बट आपको समझ में आएगी। अच्छा, अब मैं जाता हूँ एरे में और ये मैं एक एरे का शेल रख लेता हूँ। दिस इज जस्ट एरे शेल, इसकी टाइप नहीं डिफाइंड होती। अच्छा, इसकी टाइप का मतलब क्या होता है? टाइप का मतलब ये होता है कि नंबर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं एंड कुछ और भी होते होंगे। फ्लोटिंग नंबर्स में पॉइंट होता है, फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, राइट? तो फ्रैक्शंस होते हैं, तो इसी तरीके से इसमें भी टाइप्स होती हैं। अब वो टाइप क्या होती है, तो मैं आ जाता हूँ आपके पास न्यूमेरिक में और न्यूमेरिक में मैं आपको एक न्यूमेरिक कंट्रोल रखता हूँ, न्यूमेरिक कंट्रोल। अब ये न्यूमेरिक कंट्रोल है, अब ये न्यूमेरिक कंट्रोल की एक टाइप है और ये टाइप यहाँ से डिफाइंड होती है कि आप राइट क्लिक करें इसको, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में जाएं। अब ये मुख्तलिफ किस्म के सारे टाइप्स ऑफ दे हैं। अब इसमें मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये U8 है। U8 का मतलब है कि अनसाइंड 8 बिट नंबर, लेकिन अगर 8 बिट अनसाइंड नंबर है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 255 तक नंबर आएगा और नेगेटिव नंबर इसके अंदर नहीं आ सकेगा। लेकिन अगर आप इसको साइंड नंबर रखना चाहते हैं 8 बिट में, तो आप इसको रख लें इंटीजर 8 बिट, 8 बिट का, तो इसमें सेकंड नेगेटिव भी आएंगे लेकिन फिर इसमें पॉजिटिव नंबर 127 से ऊपर नहीं जा सकेंगे। अच्छा, ये हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोगों से किसी ने सवाल किया तो मज़ीद तफसील के लिए। तो अब अगर कोई बड़ा नंबर रखना है तो आप इसको 32 बिट कर दें, तो ये 32 बिट मैंने कर दिया। अब इस एरे के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, इस एरे के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये इस तरह के और बहुत सारे कंट्रोल्स मेरे पास हो, जैसे ये है, ये मैं इसको बनाता चला गया, ये कंट्रोल पकड़ के ना इसको बाहर खींच लें तो ये एरे बन जाता है। तो इस तरीके से और बन गए, और निकाल दिए तो और बन गए, और बन गए, इस तरीके से। तो अब ये सारे नंबर्स मुझे चाहिए अपने सिस्टम के अंदर। अब ये सारे नंबर्स अलग अलग एंटिटी है, इनको अलग अलग नाम से एड्रेस करना पड़ेगा, अलग अलग इनका ब्लॉक होगा। तो हम क्या करते हैं कि इनको बंडल अप कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इनको डिलीट कर देता हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। व्यू में टूल बॉक्स, टूल बॉक्स है यहाँ पे, व्यू में टूल पैलेट, ये रही। अब इसको पकड़ के मैंने सब को डिलीट कर दिया। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ एरे के तरीके से, कि अगर इस तरीके से आपको बहुत सारे नंबर चाहिए हो तो आप क्या करें कि एक एरे शेल दें और इसके अंदर ये आप डाल दें। अब ये इसकी टाइप यही हो गई, इस एरे की टाइप यही हो गई, लेकिन एरे सिर्फ एक, अभी इसकी डायमेंशन एक ही है। अब वो कितने नंबर चाहिए, लेट्स से मुझे 5 चाहिए, तो आपने इसके अंदर 6 नंबर डाल दिए। अब ये 6 नंबर हैं, कैसे एड्रेस होंगे, ये इसका इंडेक्स है। मतलब ये कि समझ लें कि ये पिजन होल्स हैं कहीं पर, जैसे मस्जिद के अंदर जाते हैं ना तो वहाँ पे जूते रखते हैं, तो अगर जूते के डब्बे के ऊपर वहाँ पे मुख्तलिफ स्लॉट्स बने हुए हों और उसके अंदर नंबर लिखा हुआ हो कि भाई ये 1 नंबर का स्लॉट है, ये 2 नंबर का स्लॉट है, ये 3 नंबर का स्लॉट है, आपने जूता रखे आपको खतरा हो कि भूल जाएंगे कि कहाँ रखेंगे, जूता पहचानने में मुश्किल होगी, तो आप स्लॉट याद रख लें कि भाई 3 नंबर में रखा था, जाएंगे सीधा 3 नंबर से निकाल लेंगे। तो वो इसका स्लॉट का नंबर है कि इंडेक्स हो गया, ये इंडेक्स हो गया, राइट? तो इसी तरीके से मैं इसका एक और बना लेता हूँ कॉपी। अब ये एरे की कॉपी हो गई, यहाँ पे एरे की कॉपी में दोनों आ गए एरे और एरे टू। अब ये दोनों एक टाइप की कॉपी है कि हमने इसकी कॉपी बनाई थी, लेकिन मैं इसको करता हूँ कि आउटपुट बना देता हूँ इसको, तो चेंज टू इंडिकेटर। अब चेंज टू इंडिकेटर की वजह से देखें कि यहाँ पे एरो आ गया। अब टूल में से जाके ये टूल पैलेट में जाके इसको वायर कर दिया, ये वायर कर दिया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से इसको मैंने कंटिन्यूसली रन किया है। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे वो इसके अंदर आ जाएगी, ये इसके अंदर आना शुरू हो गई, ये इसके अंदर आना शुरू हो गई। तो
तो ये एक तरीका था एरे बताने का कि ये इनपुट एरे जहाँ पे आप एंटर करते हैं डेटा। अब एंटर करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, डेटा बाहर से भी आ सकता है, लेकिन ये इसका एक सिक्वेंशियल इधर से है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि आप क्या करते हैं कि क्या करते हैं। देखने में पहले तो ये चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है और प्रेजेंटिंग भी हो रही है। अच्छा, तो वी जस्ट कंटिन्यू विथ दिस। अच्छा, अब मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ पे, एक अगेन एक यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे रोकते हैं इसको, सिमुलेशन को, और मुझे एक एरे बनानी है। तो मैंने एक खाली एरे लेकर यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब मुझे यहाँ पे इसको बूलियन बनानी है, टाइप ऑफ बूलियन। अच्छा, छोड़ें इसको, इसको पढ़े लेने बाद में करेंगे इसको। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने एक इनपुट लिया और रॉकर स्विच ले लिया। इस रॉकर स्विच से मैं आराम से एक बुलियन एलईडी कंट्रोल कर सकता हूँ। क्यों नहीं आ रही है? आ जा भाई, ये आ गई। अच्छा, पैलेट में से जाके इसको मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। इट्स अ वेरी ब्लॉक डायग्राम में कनेक्ट करना पड़ता है, ये ब्लॉक डायग्राम वेरी सिंपल टास्क, बहुत बार कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर शेल बेकार पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये चल नहीं पा रहा, तो इसको डिलीट कर दिया इस वक्त हमने। अब इसको चला दिया, अब ये चल गया। अब यहाँ से कुछ भी करें, एक बटन, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हम करते रहे बटन से एक एलईडी को कंट्रोल करना। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल बटन हो, फॉर एग्जांपल मुझे करना हो कंट्रोल ये इस बटन से इस एलईडी को कंट्रोल करना हो, तो मुझे इसको वायर करना पड़ेगा। कर लेते हैं वायर, ये वायर कर लेते हैं, वायर करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन ये वायर करना पड़ेगा ना, अब ये हर एक एंटिटी अलग अलग है, वायर करना पड़ेगा। चलाएंगे तो दोनों से बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन इसको आप बंडल अप करना चाहते हैं, आप क्या करें, आप ये इसको डिलीट कर दें, इस वाली एंटिटी को डिलीट कर दें और एरे बना लें। रोक के डिलीट होगा, विदाउट नहीं होगा। अच्छा, तो ये डिलीट कर दिया, ये एलईडी भी डिलीट कर दी। अब हम इसको एरे बना लेते हैं। अच्छा, अब जो पहले मैंने एरे रखी थी उसको मैं नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एरे यानी कंट्रोल पैनल पे एरे रखी। इसके अंदर टाइप डिफाइन करनी है, टाइप डिफाइन करने का लैब व्यू के अंदर बहुत अच्छा तरीका है कि जिस टाइप को डिफाइन करना है उसको ला के इसके अंदर ड्रॉप कर दें, वो ड्रैप हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से फिर मैं अंडू करता हूँ, इसकी कॉपी बनाता हूँ, इसकी कॉपी बना ली, इसको टाइप डिफाइन कर दिया, ये एरे डाल दिया, इसके अंदर ये डाल दी। अब इनकी डायमेंशन सेम कर देते हैं कि इसके अंदर अगर तीन बटन है तो इसके अंदर इंडिकेटर्स भी तीन ही होने चाहिए। ये इसके अंदर चल जा भाई, ये ना, ये तीन तीन गलत हो गया, तीन, चलो आठ कर लेते हैं यार। ओहो, चलो हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ज्यादा हो गए, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। आठ, एक, चलो आठ हो गए। अब इधर से भी चार पाँच छ सात आठ, यहाँ से इसको दूर कर दिया। अब हमारे पास ये दो आ गए, कंट्रोल वी करके इसको साफ कर लिया। इधर से चेंज शो कंट्रोल, अब ये ऑलरेडी टाइप डिफाइंड है, एलईडी थी ना इसलिए वो टाइप डिफाइंड हो गई, ये से इसको बाहर कर लिया। अब हमारे पास कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से रन किया, यहाँ से एलईडीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ये एलईडी कंट्रोल हो गई, राइट। तो ये एरे, दिस इज कॉल्ड एरे, इनपुट एरे कंट्रोल, आउटपुट एरे इंडिकेटर कंट्रोल हो रही है। अच्छा, अब एरे के कुछ फंक्शंस भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि अब 1D एरे है ये वाला, इसको सिमुलेशन को स्टॉप कर दिया, 1D एरे है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये एरे रिवर्स हो जाए, तो मैं एरे रिवर्स करने का मतलब है कि इसके अंदर मैं फंक्शन लूंगा एरे ये कर दिया, यहाँ से 1D रिवर्स एरे कर दिया। इसका मतलब जो मेरे पास एरे आ रही है, इस एरे को मुझे इस इनपुट एरे को रिवर्स करके दिखाना है,
ये यहाँ से रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करके इस पर दिखाना है। इस पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर इसकी एक कॉपी बना ली जाए तो क्या है, एक कॉपी बना ली, एरे फाइव बन गई, और इसके ऊपर ये रिवर्स एरे करके यहाँ से ड्रॉप कर दिया। अब ये चलने के काबिल हो गया, ये यहाँ से चलाया और बराबर बराबर में रख लेते हैं इसको, ये रिवर्स टायरे है, फाइव इसको चलाया। अब देखें यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं तो इधर कंट्रोल हो रहा है, तो दिस एरे इज रिवर्स। यहाँ से ये दो ऑन है तो यहाँ से दो ऑन है, फिर दो ऑफ है, फिर ये करिए इस तरीके से रिवर्स, सारे ऑन करते चले जाए। सही सही है, रिवर्स एरे हो गया। अच्छा अब इसके अंदर एक और फंक्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ब्लॉक डायग्राम के अंदर जाएं और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें, और एक एक नया फंक्शन मैं आपको बताता हूँ एरे में, एरे में और साइज ऑफ द एरे, कहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में एरे साइज ऑफ द एरे, एरे साइज। अब ये एरे साइज का मतलब ये साइज बताएगा आपको कि ये कौन से साइज की एरे है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ से हमने इसको कहा कि ये एरे है, ये एरे है। अब ये एरे साइज कहाँ से बताएगा, कहाँ पे बताएगा, तो इसका कंट्रोल जनरेट कर लेते हैं, इंडिकेटर जनरेट कर लेते हैं, क्रिएट इंडिकेटर, तो ये इसके ऊपर साइज बताना शुरू कर देगा कि ये कितने इसके अंदर डायमेंशन है। चलते हैं इसको चलाते हैं, ये यहाँ पे नजर आया साइज ऑफ द एरे, ये कितने बिट्स थे इसमें, ये 8 थे, यहाँ पे साइज नजर आना शुरू हो गया। सही है। अच्छा एक इंडेक्स का भी एक मैं आपको बताता चलूं कि इंडेक्स मुझे कोई पर्टिकुलर एरे का एक्सेस, कोई कोई पर्टिकुलर नंबर एक्सेस करना है, तो इंडेक्स एरे से मैं कर सकता हूँ कि मैं, ये एरे है मेरे पास और इसका इंडेक्स एरे करता हूँ मैं, इसको रोक लिया, यहाँ से एरे गया इंडेक्स, इंडेक्स एरे, यहाँ से इंडेक्स एरे लगा के इसको इससे वायर कर दिया, राइट, और ये एरे इन हो गई, और यहाँ से वो वाला एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट कि भाई आप बताना चाह रहे हैं ना कि कौन सा एलिमेंट मुझे दो इस एरे में से, तो वो इंडेक्स एरे के फंक्शन से होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट करके इसका कंट्रोल जनरेट कर लिया। अब ये आउटपुट पे जो इंडिकेटर जनरेट कर लिया, ये एक नंबर होगा क्योंकि इस एरे के अंदर मुख्तलिफ नंबर हैं और हर नंबर अपनी जगह पर एक, हाँ सही है। तो ये जो है थोड़ा सा मैंने क्या लगा दिया, ये जो है, ओह यस दैट वाज जस्ट राइट, वो सही था। अच्छा अंडू की जगह पे रीडू करने का कोई फंक्शन नहीं है, चलिए अंडू कर लेता हूँ। हाँ चलिए, तो क्योंकि ये एलईडी आ रही थी तो ये इसने कंट्रोल भी जनरेट कर करके एलईडी दी है, तो अब देखते हैं। अच्छा आपको कौन सी एलईडी देखनी, क्या कौन सी स्टेटस का देखना है, ये इसका देखना है हमें, यहाँ से इसका कंट्रोल जनरेट कर लेते हैं, न्यूमेरिक यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा कंट्रोल, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी आता है, क्रिएट नहीं, क्रिएट कंट्रोल। अब ये कंट्रोल पे जो भी देंगे उस एलईडी का स्टेटस यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, यहाँ से मैं बताऊंगा कि कौन सी एलईडी। अच्छा मैं तो बता रहा हूँ कि भाई मुझे जीरो एलईडी का स्टेटस बताओ, तो जीरो स्टेटस जो है ये ऑफ है, मैंने कहा कि वन बताओ तो वन ऑन है, फिर मैंने कहा टू बताओ टू ऑफ है, जस्ट लुक हियर फॉर इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, तो थ्री भी ऑफ है, फोर ऑन है, फाइव ऑन है, सिक्स ऑफ है, सेवन ऑन है, तो ये हमने ली है, और तो ये इसका इंडेक्स हो गया। तो इसी तरीके से अब इस इंडेक्स के अंदर अगर हम एक फॉर नेक्स्ट लूप लगा लें और एरे को भरना चाहें या एरे को एक्सेस करना चाहें, तो मैं ये करता हूँ कि इस वाले काम के अंदर ये इनपुट है मेरे पास एरे की, और इसको एक फॉर नेक्स्ट लूप का जरिया से जनरेट करते हैं, यहाँ पर ये सारा कुछ
रिवर्स सैर वगैरह सारा कुछ करते हैं, और यहाँ पे एक नया बना लेते हैं। चले वो इस पे बना लेते हैं फॉर नेक्स्ट। ये स्ट्रक्चर में गए, फॉर लूप ये लगाया, ये लगाया। अब इसका इंडेक्स जनरेट करना है, तो इंडेक्स ऑफ द एरे, इंडेक्स ऑफ द एरे यहाँ से पकड़ के कॉपी कर लिया, इंडेक्स एरे इंडेक्स यहाँ पे जो भी नंबर था ना उसको लेके इसको फीडबैक कर दिया नंबर। तो यहाँ से इंडेक्स कौन सा नंबर, ये जो इंडेक्स आ रहा होगा लूप का कौन सी टाइम चल रहा है, इसको यहाँ से दे दिया। राइट, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं जगह बनाने के लिए। और एरे कौन सी देंगे इसको, एरो ये वाली दे देंगे, ये वाली एरे दे देंगे, ये एरे दे दी। अब इसके अंदर से हमें एक कंट्रोल जनरेट करना पड़ेगा, एक इंडिकेटर जनरेट करना पड़ेगा। अब ये इंडिकेटर जनरेट कर लिया यहाँ से, अब वो पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए। कितनी बार इसे फॉर नेक्स्ट का लूप को रन करना चाहिए, इसको रन करना चाहिए हमें क्रिएट कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 4 छः एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, जिसको चलना है 5 तक 6 तक। 0 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा, तो एरे भी जो है 0 से स्टार्ट होती है, 5 तक लास्ट नंबर आ जाएगा। तो 6 इसको हमने दे दिया, और ये 6 दफ़ा चलेगा। अब क्योंकि बहुत तेज़ चल जाएगा आपको नज़र नहीं आएगा, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे टाइमिंग का भी एक ऑप्शन रखूँ। तो वेट मिली सेकेंड मैंने यहाँ पे रख लिया, और यहाँ से ये करके नहीं दे रहा। क्रिएट और कॉन्स्टेंट कितनी देर का, 1 सेकंड में तो आना चाहिए ना नज़र, ताकि आपको पता चले। 2 सेकंड कर लेते हैं, 1.5 सेकंड कर लेते हैं, ताकि मैं आपको बोलूं और आपको बताऊं तो आपको समझ तो आए कि क्या हो रहा है। सही है, अब मैंने इसको चलाया। अब चीज़ें कहाँ पर हैं जो हमें देखें, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हमने जो सिक्वेंस से करी थी। अब है क्या क्या, एलिमेंट 2, ये रहा एलिमेंट 2, और एलिमेंट 2 पे नजर आएगा एरे कौन सी है, ये वाली एरे। तो ये वाली एरे पे हम नंबर भर देते हैं, सबसे पहले तो एरे को नंबर भर देते हैं कि भाई 2 2 नंबर पे है तो 5 है। फिर जो है इसके अंदर 7 है, और इसके अंदर 9 है, इसके अंदर 11 है, और इसके अंदर 12, ये नंबर यहाँ पर आने चाहिए। तो ये नंबर भर दिए। अब मैं इसको ब्लॉक डायग्राम में चलाता हूँ, कंट्रोल ई करके ब्लॉक डायग्राम में आ गए और इसको चला दिया। तो एक बार चलाया, यहीं पे चलाते हैं। अब 0 से स्टार्ट होगा, एलिमेंट 1 आया, 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया यहाँ पर, फिर 11 आया, फिर 12 आया, और लास्ट में बस कंप्लीट हो गया। तो लास्ट ये 12, इस तरीके से हमने इसको फॉर लूप नेक्स्ट के अंदर लूप चला भी लिया, दिखा दिया। अगर भरना चाहें तो भर भी सकते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसी एरे को मैं आपको भर के दिखाता हूँ कि अगर इंडेक्स में आप कोई वैल्यूज डालना चाह रहे हैं तो वो कैसे डालेंगी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो इंडेक्स है, ये एरे एलिमेंट नज़र आ रहा है, इसी इसी एरे इंडेक्स इंडेक्स एरे को इस एरे इंडेक्स एरे को इसको फिलअप कर लेते हैं। ये एरे है और ऐसे टाइम ज़्यादा हो गया तो फिलअप का मैं बाद में बताऊंगा आपको। सो आई होप कि दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू, और आप एरे के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल जस्ट लर्न दिस लैब यू इंशाल्लाह, और आप इसके मास्टर बन गए ना तो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। और दूसरी बात यह है कि भाई नमाज की पाबंदी कीजिएगा, आखिरत असल है, दुनिया सिर्फ इसका साया है। नमाज की पाबंदी कीजिएगा, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आपको दोबारा चलाना है एक बार, तो और दोबारा एक बार चला के देख सकते हैं। ये एलिमेंट इस तरीके से 7 ओके
जस्ट स्टॉपिंग इट राइट नाउ, और मैं जाता हूँ गूगल मीट ऑफ करने के लिए।